हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं गुजराती पात्रा के पकोड़े, जैसे अरबी के पकोड़े भी बोलते हैं। हमारे गुजरात में पात्रा बहुत फेमस है। मैं आज पात्रा के नया अवतार बनाऊंगी। पात्रा से हम पकोड़े बनाएंगे, वो भी एकदम नए स्टाइल में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह नया पात्रा का अवतार कैसा लगा। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए सामग्री में क्या क्या चाहिए। नई नई रेसिपी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें पूजा की देसी गुजराती रेसिपी को, और बाजू में लगे इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर हमने सामग्री में 1 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच जितना हरी मिर्च का पेस्ट लिया है हमने, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच जितने सफ़ेद तिल है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, वो आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, 1 चम्मच जितने हमने शक्कर ली है, और 1 नींबू का जूस लिया है। आपको जितना खट्टा मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने करीब 400 ग्राम जितना हमने बेसन लिया है, आप जितने पात्रा बना रहे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर 1 बाउल जितना हमने मैदा ले लिया है, उसकी हम बाद में स्लरी बनाएंगे पकौड़े के लिए। और यहाँ पर हमने 250 ग्राम अरबी के पत्ते को इस तरह से नसें निकाल कर इस तरह से साफ कर लिया है। सारे जो बड़े बड़े नसें होती है वो हमने साफ कर ली है, और इसी तरह से हमने अच्छे से साफ कर लिए सारे पत्तों को। अब हम इसको हम बाद में रोल करेंगे। अब सबसे पहले हम अपने बैटर बना लेते हैं। अब 1 बाउल लेकर उसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन के बाद हम सारे मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम सबसे पहले धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आपको कम तीखा पसंद हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। अब हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच जितनी, 1 चम्मच जितनी हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1/2 चम्मच जितना हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, उसके बाद हम नींबू का जूस ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 नींबू का जूस लिया है। अगर आप छाछ से बैटर बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच शक्कर ऐड कर दी है, 1 चम्मच व्हाइट तिल है। अब उसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आप जितना पात्रा बना रहे हैं उस हिसाब से आप बेसन का बैटर तैयार कर ले। अब इसे हम पानी की मदद से उसका बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ हमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, वरना वो ढीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते हुए मिक्स करते जाएंगे और पानी ऐड करते जाएंगे। अब इसी तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए हम पानी की मदद से इसका हम थिक बैटर बना लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह का मैंने बैटर बनाया है। हमें इसकी थिकनेस बिल्कुल इस तरह की चाहिए, हमें बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, इसी तरह का बनाना है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और हमारे मैदे की स्लरी बना लेते हैं। मैदे की स्लरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 बाउल मैदा ले लिया है। अब उसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें हमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे भी हम पानी की मदद से स्लरी बना लेंगे। इसकी हमें इसकी बहुत गाढ़ी ना बहुत पतली स्लरी बनानी है, बिल्कुल बीच वाली स्लरी बनानी है, जिससे हम हमारे अरबी के पात्रा के जो रोल होते हैं उससे हम डिप करके फ्राई कर सके। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसकी स्लरी बना लेंगे।
अभी आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए स्लरी बना रही हूँ। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अब थोड़ी देर बाद हमारी स्लरी बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब मैंने इस तरह की स्लरी बना ली है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। और थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ी अभी पतली रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, इस तरह का रखा है हमने। अब उसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में इस बैटर से हम अपने अरबी के पत्तों के ऊपर हम बैटर लगाते हुए अपने पात्रा रोल बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली है, उसको हमने उल्टा कर लिया है। अब उसके ऊपर हम एक पत्ता रख देंगे और उसके ऊपर हम बेसन की पेस्ट लगाते हुए सब जगह अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से चम्मच की मदद से बैटर को इस तरह से फैला रही हूँ। अगर आप हाथों से करना चाहते हैं तो हाथों से भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे पत्तों के ऊपर इस तरह से पेस्ट लगाते हुए सब जगह अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरा पत्ता रख देंगे। बाद में इसका हमें बहुत थिक लेयर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पतला ही करेंगे। अब इसी तरह से हम सारे पत्ते के ऊपर इस तरह से बेसन का बैटर लगा देंगे। अब उसके ऊपर हम अब दूसरा पत्ता रख देंगे। अब इसी तरह से दूसरे पत्ते के ऊपर भी हम बेसन का बैटर लगा देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे पत्ते के ऊपर भी इस तरह से बैटर लगाते हुए इस तरह से सारी तरह सब कुछ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और बाद में इसका हमें रोल बनाना है। आप इसी तरह से दो या तीन पत्तों से रोल बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा पत्तेकार बनाएंगे तो बहुत मोटा बनेगा। दो या पत्ते तीन पत्ते काफ़ी होते हैं रोल बनाने के लिए। अब बस इसे हम रोल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से दबाते हुए इसका हम रोल बना लेंगे और बाद में इसे हमें उबलने के लिए छोड़ देना है। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने रोल बना लिया है। अब इसी तरह से हम सारे रोल बना लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से सब रोल बना लिए हैं। अब इसी तरह से हमने रोल को बना लिया है। अब इसे हम ढोकला के कुकर में भाप की मदद से पका लेंगे और बाद में इसके हम पकौड़े बनाएंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ढोकला के कुकर को गर्म कर लिया है पानी की मदद से। अब इसमें हम सारे पत्ते रख देंगे रोल को। इसी तरह से साइड में रखते हुए सारे रोल को हम इस तरह से रख देंगे और बाद में इसे हम पका लेंगे। इसे पकने में सिर्फ 10 से 15 मिनट होती है। अगर आपके कच्चे रहते हैं तो और थोड़ा पका सकते हैं आप। अब इस तरह से ढक्कन लगा के इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बाद में इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ही पकाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। अब 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पात्रा के रोल पक चुके हैं। इसी तरह से आपको पका लेने हैं सब कुछ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पक चुके हैं। अब आप जो मोटे लग रहे हो हम बीच से कट कर लेंगे और जो छोटे वाले हैं वो चल जाएंगे रोल के लिए। अब जो बड़े हैं उसे हम बीच से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बीच से कट कर लिया है। जो बड़े हैं लंबे वो ही हम कट करेंगे और जो छोटे हैं उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से हम जो बड़े हैं उसको हम बीच से कट कर लेंगे और इसी तरह से हम सारे रोल को एक साइड में बना लेंगे।
और बाद में इसे हमें मैदा की स्लरी में डिप करके फ्राई करना है। वो ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे और हमारे पात्रा के पकौड़े बहुत अच्छे और टेस्टी बनेंगे। अभी हम इसमें मैदा की स्लरी ले ली है, अब इसमें हम अपने रोल को डिप कर लेंगे। और मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उसमें हम ये पात्रा के रोल को ऐड कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि स्लरी ठीक हो गई है। इसी तरह की हमने स्लरी बनाई है। अब इसी तरह से हम सभी पात्रा के रोल को मैदा की स्लरी में डिप करते हुए फ्राई कर लेंगे। हमारे पात्रा अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। ये गुजराती पात्र का एकदम यूनिक रेसिपी बनाई है मैंने। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें मेरी रेसिपी को। अभी इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। ऊपर से जब तक ये थोड़े क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे हम धीमी आंच पर पका लेंगे। अब इसे हम थोड़ा पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से थोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम दूसरी तरफ पलटते हुए गोल्डन ब्राउन पका लेंगे और बाद में इसे हम निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पात्रा लो बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पात्रा रोल को सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो गुजराती कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें मेरी रेसिपी को। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सब रेसिपी मेरी कैसी लगती है। धन्यवाद।